का बजा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने, इनकी T20 क्रिकेट का टी इनके अंदर डाल दिया और ऐसा डाला इनको पकड़ के, ना इन घंटू को बॉलिंग करनी आती है ना इन घंटू को बैटिंग करनी आती है। Hats off to Australians, मजा आया Australians को देख के, अफसोस हुआ देख के और हार गया पाकिस्तान। स्पिन के गाबा स्टेडियम के बाहर ही वापस आ गया हूँ। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादू ने दिखाई है, होता ही ना, ये जो इन्होंने करवाया 14 ओवर के गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। ये एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस है यार, वन साइडेड डिफीट हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान को, वन साइडेड डिफीट, ये एम्बैरेसिंग है हमारे लिए। बट कुल मिलाकर बॉलिंग बैटिंग दोनों बुरी तरह से पाकिस्तान की कोलैप्स हुई है, और सबसे खास बात फील्डिंग भी शायद पाकिस्तान की बुरी है। किसी तरह से भी ये ब्रिस्बेन का ये मैच पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं कभी। बाबर आजम को देखें, रिजवान को देखें, साहबजादा फरहान, इरफान खान न्याजी, उस्मान खान, सलमान आगा, ये 6 बल्लेबाज हैं, डबल फिगर में कोई नहीं आया। पाकिस्तान 16 रन के ऊपर 5 विकेट गिरा के बैठा हुआ था, 16 रन के ऊपर 5 विकेट। मतलब आज तो लोग ये दुआएं करते हुए आ गए थे 36 ना हो ना, 36 ना हो ना, हमारी जिंदगी में बचाता 36 ना हो जाना, क्योंकि हमने इतना मजाक उड़ा है, आई कहीं 36 से कम हो गया तो सारी जिंदगी हमारा मजाक उड़ता रहेगा, वो भी 36 पे ऑल आउट हो गए, वो भी अगर T20 फॉर्मेट में। मसला जो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है, और वो जो मसला है कि आपके पास पावर हिटर्स नहीं है भाईजान, आपकी टीम में नहीं है पावर हिटर्स। आपके स्ट्राइक रेट जो है पहले से लेके 6-7 नंबर तक सबका ये 130 का है, 130 का। जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है, 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। शर्मनाक परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी, एंबैरेसिंग परफॉर्मेंस चल रही थी इनकी, इनको जरा शर्म नहीं है कि खेल क्या रहे हैं। बाबर आजम पहली बॉल पे 3, अगली बॉल के ऊपर सीधा आउट, 2 बॉलों पे बाबर 3, सलमान अली आगा 2 बॉलों पे 4, उस्मान खान आज भी कुछ नहीं करके गया, इसी के साथ इरफान नियाजी एक और डक, कर क्या रहे हैं ये। स्पिन के गाबा स्टेडियम के बाहर ही वापस आ गया हूँ। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ, और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, और शायद मोस्ट ऑफ द जो स्क्वाड है यही प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादू ने दिखाई है, वनडे सीरीज आप लोग जीते हुए हो, लेकिन अगर आप बॉलिंग देख लो तो माशाल्लाह क्या हमने बॉलिंग किया है, बैटिंग की तो तारीफ ही, मुझे तो लग रहा था कि ये 36 भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भला हो अब्बास अफरीदी का, उससे छक्का लग गया, हसीबुल्ला से छक्का लग गया, टेल एंडर ने आगे कुछ स्कोर कर दिया, और हमारे जो सुपरस्टार बल्लेबाज है उन्होंने तो आपस में मुकाबला लगाया हुआ था कि पहले डग आउट में जाके कौन बैठता है। पाकिस्तान ने अपनी जो T20 क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना है, या हमने स्टक रहना है उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर T20 की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आज अपनी प्रो जो उसके T20 साइड के जो प्लेयर्स थे उन्हीं के साथ था, और हम अपनी वही पुरानी टीम लेके, वही बाबर, वही रिजवान, वही उस्मान खान, वैसे क्या कर रहा था यार T20 क्रिकेट। आप उस्मान, आपको पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया हुआ है, आपके बैट के ऊपर बॉल ही नहीं आ रही है, आपने कितनी अटेम्प्ट्स किए शॉट लगाने की जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिली है। सो भाई द वे पाकिस्तान की जो टीम है उसको अपने T20 के, ये देखे ओजी कितने खुश हो रहे हैं, वो साहब उन्होंने जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है, 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। हाँ हम ये कह सकते हैं कि यार देखो ना, हमारे सर के ऊपर टारगेट इतना चढ़ गया था, आज बॉलर्स का बुरा दिन था, आज बल्लेबाजों ने उसका साथ नहीं दिया है, कि हम T20 साइड जो है वो किस तरह की लेके घूम रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, दुख हुआ है खुदा की कसम आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। बोल शाहीन आया, उसको पहले ओवर के अंदर 15 रन पड़ गए, नसीम आया, उसको पहले ओवर के अंदर 17 पड़ गए, दूसरे ओवर में हारे सत्ते चढ़ गया उनके, और आज पाकिस्तान के बॉलर्स डिस्टर्ब हुए हैं। आज उनसे उनकी लाइन लेंथ भी नहीं थी, और उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि हम बचे तो कहां बचे। बिलीव कीजिए, स्टिल ऐसा लग रहा है कि वही अमरीका वाले वर्ल्ड कप के हालात है, जो हमने अमरीका में T20 वर्ल्ड कप की हमारी आखिरी असाइनमेंट थी, तो हम आज भी उसी स्टेज के ऊपर खड़े हुए, उससे भी बुरा आज हमने परफॉर्म किया है। होता ही ना, ये जो इन्होंने करवाया 14 ओवर के गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। 7 ओवर के अंदर 9 आउट तो पाकिस्तान की हो गए, वो इनके पास तो बल्लेबाजी नहीं है, पाकिस्तानी टीम के पास तो बल्लेबाजी नहीं है, इनसे 93 इन्होंने 94 चेस करना था। इनकी बैटिंग तो आप देखें, रिजवान के पास दिमाग नहीं है, उसने आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, टीम के बारे में नहीं सोचा, खुद ओपनिंग करने आ गया। लेकिन 7 ओवर के अंदर जब रिजवान ओपनिंग करने आ रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान ने क्या किया, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट, मजाक बना के रख दिया। कमेंटेटर भी हंसते कि हो तो हो क्या किया है, इतनी बुरी भाई, इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आपकी विकेट विकेट गिरे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया वालों के छक्के पे छक्का, चौके पे चौका आ रहा है, पाकिस्तान के विकेट पे विकेट पे विकेट आई जा रही थी, ये कर क्या रहे थे, कोई हिटर था ही नहीं, इरफान नियाजी को हिट करनी नहीं आती, सलमान अली आगा, ओ भाई साहब ये टेस्ट मैच नहीं है, ये ओडीआई नहीं है, T20 है, यहां पे ये टाइमिंग टूमिंग नहीं चलनी, टाइमिंग वाला बाबर पड़ा हुआ है, आपको हिटिंग करनी है, किसी एक बल्लेबाज से हिट नहीं। शर्मनाक परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी, एंबैरेसिंग परफॉर्मेंस चल रही थी इनकी, इनको जरा शर्म नहीं है कि खेल क्या रहे हैं।
बाबर आजम पहली बॉल पे तीन, अगली बॉल के ऊपर सीधा आउट, दो बॉलों पे बाबर तीन, सलमान अली आगरा दो बॉलों पे चार, उस्मान खान आज भी कुछ नहीं करके गया, इसी के साथ इरफान नियाज़ी एक और डक, कर क्या रही है ये एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस है यार, वन साइडेड डिफीट हुआ ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान को, वन साइडेड डिफीट, ये एम्बैरेसिंग है हमारे लिए। 8, 12, 16, 16, 16, 24 छह खिलाड़ी आउट, देखा ये जाए कि पाकिस्तान क्या सिर्फ बैटिंग वजह से हारा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। आप ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को देखें, उनके नाम गिने आप और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो आपको सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान साइड पर नजर आएगा, नसीम, शहीन, हारिस, बट कुल मिला के बॉलिंग बैटिंग दोनों बुरी तरह से पाकिस्तान की कोलैप्स हुई है और सबसे खास बात फील्डिंग भी शायद पाकिस्तान की बुरी है, किसी तरह से भी ये ब्रिस्बेन का ये मैच पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं कभी। बाबर आजम को देखें, रिजवान को देखें, साहबजादा फरहान, इरफान खान नियाज़ी, उस्मान खान, सलमान आगा, ये छह बल्लेबाज हैं, डबल फिगर में कोई नहीं आया, और ये कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर आपको डेथ ओवर का एक्सपर्ट नजर नहीं आया, वो कोई भी है, मगर एक ऐसा बॉलर जो आपको लगता है कि यार छोटे फॉर्मेट के अंदर बड़ा सूटेबल है या दुनिया में कहीं नाम रखता है, आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा बॉलर है। हमारे यहां पाकिस्तानी फैंस में एक सबसे बड़ी बीमारी है, हम टेस्ट की सक्सेस मिली, ओडीआई की सक्सेस मिली, हमने सबको लपेटा, बाबर इज बैक, रिजवान इज बैक, शाहीन इज बैक, हारिस अरूफ इज बैक, दिस इज बैक, दैट इज बैक, अबे बेवकूफ हो क्यों भूल जाते हो कि कुछ दिन पहले आप जून के महीने में इसी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से बाहर निकल कर आए हो, पहले राउंड में इसी फॉर्मेट में 18th रैंक यूएसए ने आपको हराया था, या ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे लेकिन वो सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो बिग बैश वाले खिलाड़ी हैं, तो बीबीएल वाले जो भी प्लेयर खेल रहे थे उन्होंने हमें अपने मैदान में लाके 7 ओवर में बता दिया, 7 ओवर के गेम में ना इसलिए मुझे इतनी पैल्पिटेशन हो रही थी क्योंकि जितने कम ओवर होते हैं ना, जितने लिमिटेड ओवर हो जाते हैं उतनी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग आपको करनी पड़ती है, आपके पास है कौन अग्रेसिव बैटिंग करने वाला, बाबर है, रिजवान है, नहीं है वो, लेकिन आप मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, ये एक तयशुदा बात है, इसके लिए मेंटल अप्रोच को तब्दील करना पड़ेगा। अजाब आज देख ले बाबर क्या, बाबर की क्या बैड फॉर्म दोबारा वापस आ गई, मसला है फॉर्मेट में स्विच करने का, जैसे आपने देखा कि 7 ओवर में 94 रन है, बाबर रिजवान ने अपनी ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा और फौरन साहबजादा फरहान है, उन्होंने दो बॉलों पर चौके मारे, तीसरी बॉलों को शॉर्ट पिच हुई, हवा में उन्होंने खड़ी बुलंद उबाला कर दी, खड़ी कर दी बॉल और वो कैच आउट होकर चलेगा, उसके बाद एक लंबा सिलसिला हुआ कि 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान 16 रन के ऊपर 5 विकेट गिरा के बैठा हुआ था, 16 रन के ऊपर 5 विकेट, मतलब आज तो लोग ये दुआएं करते हुए आगे थे 36 ना होना हमारी जिंदगी में बचा था, 36 ना हो जाना क्योंकि हमने इतना मजाक उड़ा है, आई कहीं 36 से कम हो गया तो सारी जिंदगी हमारा मजाक उड़ता रहेगा, वो भी 36 पे ऑल आउट हो गए, वो भी अगर टी20 फॉर्मेट में, भैया ये हम कैपेबल नहीं है। आप लोग को क्या लग रहा था कि चुटकी बजी हर चीज सही हो गई, आप टी20 फॉर्मेट में इतनी ही बुरी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो, तो आज क्या किसी को सरप्राइज हुआ है? मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ है, हालांकि मैं समझता था कि ओडीआई में हम थोड़ा सा तंग होंगे, टी20 में जरा हम खुल के खेलेंगे, लेकिन या तो उलट ही हो गया। आज भी देखें 24 पे 6, थोड़ी कोई बंदा ग्राउंड की डायमेंशन को देखता है, कोई हिसाब किताब देखता है किस तरह की शॉट खेलनी है, बस एक ही, बस आंखें बंद करके मिड विकेट पे बल्ले घुमाई जाओ कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही होता है, एक आधा कहीं लग गया वरना फिर छुट्टी। 24 पे 6 आउट थे, ऐसा लग रहा था ये शायद 30-35 के अंदर अंदर ही ना निपट जाएं बाकी के भी सारे। मसला जो पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है, और वो जो मसला है कि आपके पास पावर हिटर्स नहीं है भाईजान, आपकी टीम में नहीं है पावर हिटर्स, आपके स्ट्राइक रेट जो है पहले से लेके 6वें 7वें नंबर तक सबका ही 130 का, तो आप कैसे 7 ओवर के खेल में कैसे फिर आप इतने रन करेंगे? 20 ओवर में भी आपका जो स्ट्राइक रेट है, जब पूरा खेल भी होता है 120 गेंदों का, तब भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो आज तो गेम और भी छोटा हो गया, तो द मोमेंट इट वाज 7 ओवर्स गेम आई न्यू मसला पाकिस्तान के लिए। लेकिन नसीम की बात करें, शाहीन की बात करें, 15-15, 16-16, 20-20 रन एक ओवर में कहीं, लेकिन नसीम तो वो तो बहुत ही पिटा, 2 ओवर 37, तो टेक्निकली तो मैच पर ही खत्म हो गया आपका, एक बॉलर जब वो 18-19 रन पर ओवर के हिसाब से 2 ओवर मार्क आ गया, और प्रीमियर बॉलर जो है शाहीन शाह आफरीदी वो भी 26-27 रन को देखा गया, तो मैच वहीं पर खत्म हो गया। पाकिस्तान की बैटिंग की सख्त नहीं है, चाहे आप बैटिंग ऑर्डर इनमें से नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर चढ़ा दो, जो मर्जी कर दो, ये जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है आप इनको 10 बार बैटिंग करवाएं, 10 मैचों में आपको ये शायद कि एक आध बार कोई ये 90 रन कर दे, 93-94 रन कर दे, ये 7 ओवर के मैच में पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने जो कोशिश भी की तो वो ग्राउंड के मारने के चक्कर में थे कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री है, बाबर भी वहीं पे आउट हुआ, बाकी रिजवान, बट दे आर नॉट द पावर हिटर्स एंड वी नो इट। और आप जब ये स्क्वाड भी अनाउंस हुआ था ना टी20 का, मैं देख के कह रहा था कि भाईजान इसमें वो वाला जो बात है वो नजर नहीं आ रही, टी20 की जो फीलिंग आती है ना कि आपकी जो फीलिंग टी20 वाली टीम है कि हाँ यार ये, हाँ हाँ ये ठीक है, ये सही है, इसमें कहीं ना कहीं ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो वाली फीलिंग और एहसास आया ही नहीं जैसे इन्होंने ये स्क्वाड भी अनाउंस किया था। ठीक, पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बजाया गाबा में, ऐसा बजाया मेरे छनकने आजम को, मेरे लिपस्टिक बुलर अख्तर मौलवी को, ऐसा लंगड़े को पहले, ऐसा नसीमे को पकड़ के पहले कि इनका वो वनडे सीरीज जीतने का घमंड अंदर बढ़ गया, मरो छनकनो जीतना कब था, ये टी20 क्रिकेट है, ये आपका पीएसएल का टैलेंट है, इसको तो कोई एल पे नहीं रखता, ये आपकी बॉलिंग है, 7 ओवरों में 93 रन खा रहे हो मरो कंटे को, लिपस्टिक बुलर तू तो धमकियां दे रहा था कल, क्या जीतेंगे अंदर डलवा लिया अपने, ये जीतना था नहीं, ये जीतना था, क्या कप्तानी है तेरी, तू विकेट के पीछे खड़ा होया घंटे के, वो लंगड़े को मार पड़ रही है, नसीमे को मार पड़ रही है, 93 रन 7 ओवरों में करवा गए हो घंटे के,
वो घंटे का किंग, वो बॉब्जी, वो फील्डिंग छोड़ रहा है, वो कैचेस ड्रॉप कर रहा है जब वो बाउंड्री पे खड़ा होके, उससे ना बैटिंग होती है। मैक्सवेल ने पकड़ पकड़ के यहाँ पर घंटा बजा दिया, मेरे घंटे किंग बजा दिया पकड़ के। किधर गया वो नंबर वन शहीन, नंबर वन बाबर आजम? करो ना चेज, आज करते आज 93 चेज, बताते बताते कि हम डोमिनेट कर सकते हैं। करो आज, करो ना, सीधी बात करो। T20 क्रिकेट आप में है ही नहीं भाई, सीधी बात कर रहा हूं, लिपस्टिक सीधी बात करना कि T20 क्रिकेट आपको खेलनी नहीं आती। जरा मैं बॉलर्स की बात कर लूं, बैट्समैनों पे आता हूं मैं। यह मेरा जो घंटे का किंग है ना, यह जो बॉब